अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आप नहीं ये शपैक टीवी नहीं जवाब टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचिस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारी ये कसौटी की एक सीरीज़ जवाब के चैनल पे चल रही है और आज सामने बैठे और फरहान फरहान थोड़ा मुहज़्ज़ब हो गया बंटी, और इस तरफ बैठा है आपका भाई। कसौटी एक चल रही है जो आपको पता होगा, 20 सवाल हैं। मैंने एक बंदा सोचा हुआ है, इन्होंने सवाल करना है और उसको गेस करना है। शुरू करें, ये मेरे पास कागज़ और पिल्सन मेरे पास है। मैं दो लिख लूं कट्ठे दोनों का जवाब दे दे। मेल और अलाइव। मेल मेल अलाइव का नहीं। डेड ठीक हो गया जी। अच्छा, एक मर्द जो कि फौत हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ताल्लुक एशिया से है? नो। सीधा हो जा बेटे, सीधा हो जा। ताजा ताजा लड़का मेरे तो होके आया है। तकरीबन जवाब आपका नहीं है। ताजा ताजा भाई जो है ना, वो फिर के आए हैं बाहर से, तो ये कोई बाहर की ही पर्सनैलिटी होनी है। अच्छा, जिंदा नहीं है और एशिया से भी ताल्लुक है। ताल्लुक जी अमेरिका से है? नो। ये सस्पेंस सुना दे। आपने भी बहुत दिया था अपनी। हाँ जी। अच्छा जी, अमेरिका यूरोप से है? नो। जवाब दे। पता क्या बात है वीरे, 10 का सवाल तक कर ले, डिटरमिन के जगह कौन सी। नहीं यार, जगह देखो देखो देखो, बड़ा बोल नहीं लेकिन तुम शायद ही पहुंचो। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर। अब क्या रहेगा भाई, एशिया, अमेरिका, यूरोप, अरब से ताल्लुक है? नो। भाई अंटार्कटिका रहता है यार भाई। ये मैं सवाल लिख लूं वैसे? नहीं, नहीं भाई यार, ज्यादती है बाबा। अच्छा जी, अब पीछे है कौन कौन सा जी? अमेरिका हो गया, एशिया, मेरा तो इधर ग्लो भी खत्म हो गया। अच्छा जी, एशिया भी निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, यूरोप भी निकल गया, मेरा तो मैप ही उठा हो गया। अब अगर इसने कह दिया ना कि अफ्रीका से ताल्लुक है, हम ना अल्लाह हाफिज़। वैसे हो क्या? इजिप्ट अफ्रीका में नहीं है यार? वो अफ्रीका में नहीं, इजिप्ट अफ्रीका में। अब इजिप्ट पूछिए अफ्रीका, मुझे ये भी नहीं पता। पूछी बैठा तीन कॉफिन वाला तो नहीं पूछी बैठा, कौन था वो? अच्छा भाईजान, अफ्रीका से ताल्लुक है? है वो, सही कह रहा। हाँ हाँ हाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरे अफ्रीकन ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब उसमें क्या क्या आता है जरा सा? यार उसमें तो बथेरा कुछ आता है लेकिन एक। अच्छा अब एक क्वेश्चन भाई, ये ना मुझे कख नहीं पता, ठीक है, लेकिन पूछ लेते हैं कि ताल्लुक इजिप्ट से है, क्योंकि भाई ताजा वहीं से पर्सनालिटी साथ ही लेके आया ये। ताल्लुक भाई मिस्र से है? नो। यार जल्दी क्यों नहीं बताता? मजा आता है। 8 सवाल हो गए, 10 सवाल का मैंने कहा था जवाब। फिरौन का ताल्लुक इजिप्ट से है? यार और ये मेल भी है और जिंदा भी नहीं है। EGYPT। अच्छा अब थोड़ा सा नो इजिप्ट बात सवाल हो गया यार। सर इनको डेथ हुए वे 25 साल से ज्यादा हो गया भाई? नहीं। नेड़े तेड़े की शख्सियत? नेड़े तेड़े की शख्सियत। 10 साल पूछने, क्या जहन में क्या आ रहा जवाब? कुछ भी नहीं लेकिन फिर अफ्रीका से बहुत सारी चीजें हैं। अफ्रीका में उसने कॉन्टिनेंट कहा है, अफ्रीका है भाई कॉन्टिनेंट, तो उसके अंदर आपने इजिप्ट सिर्फ अभी जो एलिमिनेट किया। अच्छा, और क्या क्या है जी? मुझे तो ये नहीं पता सीरियस के अफ्रीका में क्या क्या। कर लेते हैं एक सेकंड ना। डेथ पिछले 10 सालों में हुई है? बताओ। हिसाब लगा रहा हूँ। लगा लो अब ये। हाँ, एक आधा साल ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन हाँ चलो 2011 में हुई है, लिख दे। ये जितना इसने सोच के कहा है ना, 2011 लिख दे, मैं 100% 10-11 साल है वो कह रहा है। हाँ वही, ये 10 हुआ या 11 हुआ, मतलब ये अभी 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 चढ़ा है ना ये। अच्छा, 2022 चढ़ा, 4 दिन हुए। हाँ तो 2000 ये बस 10 साल हो गए। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन कितने हो गए? 10। अच्छा, अब प्रोफेशन पे आ रहे हैं। अंदर पहुंच, 10 सवाल हो चुके हैं, प्रोफेशन नहीं पता इनको, कॉन्टिनेंट में से बंदा ढूंढ रहे हैं। यार कमाल है वैसे। साउथ अफ्रीका आ जाता है, जिम्बाब्वे आ जाता है, नामीबिया आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यार ये तो कंफर्म क्या भाई जेन में आ रहा है यार, महिला ये स्पोर्ट्स में फिर रहा है, इनको अभी तक ये नहीं पता कि बंदे का प्रोफेशन क्या है, और ये 10 बाकी तुम 10 सवाल गुजार चुके, तुम्हें नहीं पता बंदा क्या करता। अफ्रीका में पहुंच गए और क्या चाहिए, तब खत्म कर ले, अफ्रीका में पहुंच गया। ताल्लुक तो पूछ किधर से है बंदे का, एक एंटरटेनमेंट पूछ ले। नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट कौन सा है अफ्रीकन, तुझे अफ्रीकन एक्टर का या सिंगर का क्या पता, मुझे बता। नेल्सन मंडेला का पता मुझे। अच्छा वो अफ्रीकन से। अच्छा जी, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? ताल्लुक स्पोर्ट्स से नहीं है भैया। नहीं, ये पहले ना तू सोच ले एक दफा, ताल्लुक स्पोर्ट्स से इसमें बंदा, मैंने बचपन थोड़ी, इसमें बंदा भाई वो हो जाता है कंफ्यूज। नो स्पोर्ट्स, अब ताल्लुक एंटरटेनमेंट से। नो एंटरटेनमेंट, सियासत और हुकूमत से भाई। हैं वार आने वार आने वार नो, और यस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। अच्छा अब पॉलिटिक्स लिख लिख, तीन बंदे हैं पॉलिटिक्स से जिनका ताल्लुक है, अफ्रीकन है। एक तो नेल्सन मंडेला हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया कोफी अनान हो गया, वो लिख दे, ठीक है। नेल्सन मंडेला हो गया, लिख ना, मंडेला हो गया, ठीक है, कोफी अनान हो गया, ठीक है, और तीसरा हो गया, मोहम्मद कजाफी हो गया। तीन ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिनकी पिछले रिसेंट दस साल में जिनकी नहीं, इन तीनों का एरिया क्या है? ये तीनों का ही ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, और इनकी डेथ भी पिछले 10 सालों के अंदर अंदर ही हुई है, ठीक है। मंडेला क्या थे? मंडेला फ्रीडम फाइटर थे, बेसिकली फ्रीडम फाइटर, ठीक है। दे आर फ्रीडम फाइटर, नैरो डाउन करना ना। ये कोफी अनान जनरल सेक्रेटरी के, ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी थे, और कजाफी, कर्नल कजाफी जो थे ये थे, ये तो सदर वगैरह थे, हाँ हेड थे उसका भी था बड़ी। अच्छा अब एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए? 13। एक सवाल पे एक निकालना। अच्छा, मंडेला को कंफर्म करके सर, मुझे लग रहा है कि यही है, काफी सर। इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है? साउथ अफ्रीका से नहीं। सब मंडेला निकल गया, निकल गया, पक्की बात है, ताल्लुक साउथ अफ्रीका से तो नहीं। नो साउथ अफ्रीका। अब कोफी अनान को कंफर्म कर यार, ये मुझे इतना नॉन नहीं लग रहा, तू तीसरे पे आ। मैंने तीसरे और पहले भाई का नाम सुना हुआ, बीच वाले भाई का नहीं मैंने सुना हुआ नाम। सर इनका यूएनओ से कोई ताल्लुक था? यूएनओ से यानी कि यूएन के किसी ओहदे पे, बड़े ओहदे पे रहे हैं ये? मेरा नहीं ख्याल, नहीं नहीं। कोफी अनान का, अब एक चीज़ है सिर्फ कि जहाँ से जो है ना वो 15 सवाल हो गए भाई जान, ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के मुअम्मर कदाफी को करें। अच्छा जी, एक आधा बंदा कोई और देख लें, या पहले इनको कंफर्म करके फिर कंफर्म कर ले, एक आधा बंदे और जाने का टाइम नहीं है, 15 सवाल हो गए कंप्लीट। अच्छा, मुअम्मर कजाफी का ताल्लुक जो था ना, नहीं ये तो जो तू बता रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर थे या ये सदर थे, किस मुल्क के थे? अफ्रीका बोले के तो नहीं, लीबिया के थे, लीबिया के थे ये, पक्की ठक्की बात है, पक्की ठक्की बात है, लीबियन थे। रखवा ना दें। और इनके इनके बेटे का नाम था, अभी भी इनके बेटे का बड़ा, अब इस वक्त करंटली लीबिया के वो हैं सैफुल इस्लाम कजाफी ही तो नहीं पूछ लिया इसने, लेकिन नहीं वो जिंदा है अभी, तुझे ये पता।
अब सर ताल्लुक लीबिया से है। लीबिया में, लीबिया में और बड़े बड़े सियासतदान भी थे, पता है इस बात का? एक बस पूछ किसी बड़े उद्योग में फाइज थे हुकूमती? नहीं 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 नहीं, ये ना पूछो, ये ना पूछो, एक सेकंड, एक सेकंड। अपने यहाँ स्टेडियम भी है, उससे पूछ ले इनके नाम पे कोई पाकिस्तान में स्टेडियम है। इजी अगर निकालना इस बंदे का, आउट करना। अभी 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 निकाल लेते सर। इनका पाकिस्तान पे पाकिस्तान विजिट हुआ हुआ है यार? वो तो जुबाद कई बंदों का हुआ होगा यार। सवाल आया नहीं यार, पाकिस्तान विजिट यार, हर किसका पाकिस्तान विजिट? इतना महंगा, इतना अपना वीजा वो है कि किसी को नहीं मिलता। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नहीं हुआ वो, उसने पूछा, उसको आने नहीं दिया था, उसको आने नहीं दिया था पाकिस्तान विजिट। बॉर्डर पे जवाब साहब खड़े हो गए थे, ओ आई सी पे आए थे ना, जब ओ आई सी का इजलास बुलाया था भुट्टो ने, तो उस वक्त जो है ना वो मुअम्मर गद्दाफी आए थे। 17 सवाल हो गए, ठीक है 88 में मेरे ख्याल में। यार ये थे क्या असल उसके प्राइम मिनिस्टर? मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट थे, हेड ऑफ द स्टेट थे ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 30-35 साल हेड ऑफ द स्टेट रहे, ठीक है। 2011 में इनकी डेथ हुई है। ये भाई 25-30 साल इन्होंने हुकूमत की है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन काफी साल की, काफी साल की है, एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब बहुत साल की हुई है, बहुत साल की है हुकूमत। आखिरी क्वेश्चन, 20 लड़ाने हाथ पकड़, आखिरी क्वेश्चन, 18वें सवाल पे हो तुम लोग इस टाइम, और ये 18 साल यार वो पाकिस्तान से पूछ ले, 18वें सवाल पे हो तुम लोग, दो सवाल है तुम्हारे पास। के नाम पे पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग या कोई चीज, बिल्डिंग इनके नाम, मतलब कोई जगह जानी जाती है इनके नाम से पाकिस्तान में? इनके नाम से पाकिस्तान में कोई जगह, कजाफी? हाँ जानी जाती है। आपने भाई ये मोहम्मद कजाफी पूछा? बिल्कुल, बॉयज बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छी, मुझे लग नहीं रहा, मतलब बहुत जगह तक पहुंचना मुश्किल था, बहुत हल्का सा लग रहा था कि पहुंचोगे, हल्का सा लग रहा था कि नहीं पहुंचोगे। बुड्ढा है ये, बुड्ढा ना बैठा होता तू नहीं पहुंचता था। नहीं, मेरा तो जब ये अमेरिका खत्म हुआ, यूरोप खत्म हुआ ना, अपना तो ग्लोब ही घूम गया। अगली दफा मैं यूरोप में बंदा लेके आऊंगा तो वो भी नहीं पकड़ पाएगा यार। यूरोप के उस हिस्से में पहुंच जाए जो उधर लगता है दूसरे पास। तो ये थी जी हमारी आज की शख्सियत मुअम्मर कद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी, पाकिस्तान में कद्दाफी ज्यादा बोला जाता है वैसे, गद्दाफी नाम। तो ये मुस्लिम रियासतों के एक बहुत बड़े लीडर थे, जिन्होंने मेरा ख्याल है 77 से लेके 2011 तक लीबिया के ये हेड ऑफ़ द स्टेट रहे हैं, और डिक्टेटर थे, इनको बड़े उस टाइम पे टाइटल्स भी मिले थे, और बड़ा अच्छा लीबिया को इन्होंने बदला भी बहुत था, और मतलब एक रेवोल्यूशनरी इनको लीडर भी कहा जाता है। तो बीच में फिर कंट्रोवर्सीज, वो फिर जहाँ भी इस तरह की चीज़ों कंट्रोवर्सीज चलती हैं वो चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद ओआईसी जो भुट्टो दौर में शुरू हुआ था मेरे ख्याल 88 में, तो उसमें ये पाकिस्तान आए थे, और भी बहुत से मुस्लिम रियासतों के जो हेड थे वो आए थे, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की थी, कोई पैसा वगैरह यहाँ पे काफ़ी इस तरह का निज़ाम कुछ हुआ था तब। तो उस टाइम पे ये पाकिस्तान में इन्होंने अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट की थी, जिस पे ये कद्दाफी स्टेडियम जो हमारा है, कि मोस्टली लोगों को पता होगा इस चीज़ का? नहीं पता लोगों को, तुझे भी नहीं पता था? जो हमारा लाहौर में कद्दाफी स्टेडियम है, कद्दाफी स्टेडियम, वो इनके नाम पे है, क्योंकि ये उस दौर में आए थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, और उस चीज़ के ऊपर फिर एक स्टेडियम जो है वो बिल्ड किया गया, उस पर उनका नाम दिया गया। तो खैर, और जितनी मर्ज़ी इनकी एक डिटेल हिस्ट्री में जाएं इतने साल पुरानी, तो वो उसके अंदर हम अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। ये हमारी आज की वीडियो थी, आज की कसौटी थी। पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो। मस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।